हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज किस नई वीडियो में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने यहाँ पे डिवाइस में, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे डिवाइस देखने को मिल रहा है ओप्पो का। तो आपने यहाँ पे ओप्पो वाले फ़ोन के अंदर अगर यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, सिंपली गाइस ऑटो स्क्रीन ऑफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा ओप्पो का फोन है और जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक यहाँ से ऑफ हो रहा है। तो इसके यहाँ पे देखते हैं ऑफ हो रहा है, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनेबल होगा। तो ये जो प्रॉब्लम आपके फोन में अभी मेरे फोन में देखने को मिल रहा है, सिंपली गाइस अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो क्यों फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से गाइस स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे गाइस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस रहता है, सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना गाइस और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो सिंपली गाइस यहाँ से जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सिंपली सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन में गाइस यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद गाइस इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं और यहाँ पे आपको दोस्तों करना क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा वाला ऑप्शन है और यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ का ही सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है सिंपली गाइस इस पर क्लिक करेंगे और जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे गाइस देखने को मिलता है ऑटो स्विच और यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस कई सारे ऑप्शन। तो सिंपली गाइस यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो स्क्रीन ऑफ। तो आपको अगर ऑटो स्क्रीन ऑफ का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए ऑटो स्क्रीन ऑफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेकंड्स पे सेट है, तो इसको 10 या फिर 30 मिनट पे क्लिक कर देना है। जितने देर के लिए क्लिक करेंगे तो आप उतने देर तक आपका स्क्रीन का टाइम आउट यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीन का टाइम आउट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो डिवाइस में स्क्रीन टाइम आउट को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं।